हॉस्टल फीस में बढ़ोतरी को लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का प्रदर्शन जारी है। इस बीच प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रशासनिक भवन में घुस गए हैं और अंदर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासनिक भवन में ही वाइस चांसलर समेत जेएनयू प्रशासन के सभी अधिकारियों के दफ्तर हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक वाइस चांसलर छात्रों से नहीं मिलेंगे तब तक हम बिल्डिंग से बाहर नहीं आएंगे। इससे पहले छात्रों ने मंगलवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जेएनयू प्रशासन ने छात्रावास मेस और सुरक्षा फीस में 400% की वृद्धि की है। वहीं जेएनयू प्रशासन का दावा है कि हॉस्टल के चार्ज में 19 साल के बाद इजाफा किया गया है। जेएनयू के नए मैनुअल के मुताबिक अब विजिटर्स को रात 10:30 के बाद हॉस्टल से निकलना होगा। हॉस्टल के नियमों का पालन ना करने पर ₹10,000 का जुर्माना लगेगा। जेएनयू प्रशासन के खिलाफ सभी संगठनों के छात्र एकजुट हैं। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू से यूजीसी भवन तक मार्च निकालेंगे। दूसरी ओर तमाम छात्र संगठन आने वाले दिनों में मंडी हाउस पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है।